बस्ती जनपद में सरकार के खर्चे पर बनाए जा रहे शौचालयों की स्थिति सिर्फ बस्ती ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों ने देखा था कि किस तरीके से एक एक टॉयलेट रूम में दो दो सीटें लगा दी गई हैं। बावजूद इसके अभी भी बस्ती जनपद के अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और सामुदायिक शौचालयों की हालत आज भी बद से बदतर है। कहीं सामुदायिक शौचालय सोपीस बनकर खड़े हैं तो कहीं जर्जर हालत में है तो कहीं अधूरे पड़े हैं। कुल मिलाकर आलम यह है कि सरकारी धन का जिम्मेदारों ने जमकर बंदरबांट किया और जिसका लाभ गांव की जनता को मिलना चाहिए था वह मंशा आज तक पूरी नहीं हो पाई। आज एक और अजूबे शौचालय की तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां जाने के लिए ना कोई रास्ता है और ना ही ग्रामीणों का इससे कोई वास्ता है। बावजूद इस समुदाय शौचालय का लाखों रुपए खर्च करके बनाया तो गया है और यह है सरकार का। कुदराहा ब्लॉक के माधोपुर गांव में पूर्व प्रधान जी ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसके बारे में किसी को भी अंदाज़ा नहीं रहा होगा। दरअसल पूर्व प्रधान जी ने सामुदायिक शौचालय का निर्माण सार्वजनिक स्थल पर कराने के बजाय अपने ही घर के परिसर में करवा दिया जिसका उपयोग अब वह स्वयं कर रहे हैं। वैसे तो अब वह प्रधान नहीं रह गए हैं मगर सरकारी खर्चे से बने सामुदायिक शौचालय का लाभ उन्हें भरपूर मिल रहा है। आलम यह है कि इस गाँव के लोगों को यह तक नहीं पता है कि आज तक उनके गाँव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कहाँ हुआ है। लोगों का कहना है कि पूर्व प्रधान ने अपने ही घर के अंदर सामुदायिक शौचालय बनवा लिया है जहाँ जाने के लिए ना कोई रास्ता है और ना ही ग्रामीणों का उस शौचालय से कोई मतलब है। अगर कोई इस शौचालय का प्रयोग करना भी चाहे तो उसे प्रधान जी के घर के अंदर घुसना पड़ेगा और अगर कोई भाई यहाँ से जरूरत कर भी लेता है तो प्रधान जी उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। बहरहाल ग्रामीणों ने अब पूर्व प्रधान के इस कारनामे से समझौता करते हुए माधोपुर के इस सामुदायिक शौचालय से हाय तौबा भी कर लिया है। इस पूरे मामले को लेकर बस्ती जिले के मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि उनके संज्ञान में आया है कि माधोपुर गांव में बना सामुदायिक शौचालय पूर्व प्रधान ने अपने घर के अंदर ही बनवा लिया है और वह सरकारी जमीन पर बना है जिसकी जानकारी के लिए SDM को पत्र लिखा गया है और जिला पंचायत राज अधिकारी से पूरे प्रकरण की जाँच भी करवाई जा रही है। दोषी मिलने पर सरकारी जमीन पर बने सामुदायिक शौचालय को खाली भी करवाया जाएगा और पूर्व प्रधान से सरकारी धन की रिकवरी भी कराई जाएगी। मैं कभी न गया हूँ न देखा हूँ और न जानकारी ही है मुझे कहाँ पर है, मना है कि नहीं बना ये भी नहीं पूछा, मुझे मालूम है। अच्छा, आप यहीं के तो रहने वाले हैं? रहने वाले लेकिन यहाँ रहते नहीं, हम थोड़ा बाहर रहते हैं। लेकिन जब से आए हैं बाहर आते हैं, अब हमें आए एक हफ्ता हुआ है अभी जी। इसके पहले भी आप रहते नहीं, बंगलोर रहते हैं हम, यहाँ नहीं रहते हैं। तो आपको पता नहीं चला कि कहाँ बना हुआ है? इसके बारे में कुछ पता नहीं है? कुछ बिल्कुल नहीं। क्या ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि पूर्व प्रधान के द्वारा अपने घर पे ही बना लिया गया है? मैं गांव में अस्थाई निवासी नहीं हूँ, मतलब तब देखा नहीं हमने, सुना नहीं, हम खुद एक हफ्ता 10 दिन हो रहा है अभी तो जानकारी नहीं है। कहाँ घर पड़ेगा आपका? अरे यही गाँव में, कहें गाँव निवासी लेकिन हम बाहर रहते हैं, कुछ नहीं पता है, न जानते कहाँ बना है, न कभी जाते हैं उधर। कभी शौचालय में गए नहीं है? कभी नहीं। ये तो पूर्व प्रधान के द्वारा बनाया गया था लेकिन अभी तक प्रधान हो भैया जब नहीं देखे बनते हुए तो क्या पता। आप तो ये इसी गांव में रहते हैं ना? जी जी जी। तो फिलहाल आपको पता नहीं है कि कहाँ बना हुआ है? नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं है, कुछ नहीं जानकारी। देखिए इसमें शिकायत ये है कि जो ग्राम प्रधान जी हैं इस ग्राम पंचायत में, ये आपका माधोपुर ग्राम पंचायत है, राजग्राम रौना है, विकास कुदराहा का मामला है। इसमें कहा गया है कि प्रधान जी ने व्यक्तिगत रूप से उस सामुदायिक शौचालय पर कब्जा कर लिया गया है। इसमें माननीय जिलाधिकारी महोदया के द्वारा SDM सदर को जांच करके इनामित किया गया है और उनके द्वारा जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी। अगर इस तरह की बात सही मिलती है तो निश्चित तौर पर कोई भी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गड्ढे की जमीन पर यूज़ किया गया जबकि जो नियम विरुद्ध है, ये भी जाँच करनी चाहिए कि जमीन की नौीयत क्या है, क्या वहाँ पर सामुदायिक शौचालय बनना चाहिए था नहीं बनना चाहिए था, इसकी भी जांच इसलिए SDM को दी गई थी। बस्ती से अखबार वाला के लिए दिलीप पांडे की रिपोर्ट।